ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन. सो जैसे अपने को पता है कि सीए का कोर्स चेंज होने के कगार पे है, पूरा ड्राफ्ट जो स्कीम है नया कोर्स का स्कीम प्रपोज्ड है, बट इसके लिए ना इंस्टीट्यूट ने मेंबर्स से और स्टूडेंट से सजेशंस मांगे थे, ओपिनियंस मांगे थे. सो बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स निकल के आए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन्स थे, उनको लेकर इंस्टीट्यूट ने एक वेबिनार कंडक्ट किया जहाँ पे उन्होंने बहुत सारी क्लैरिफिकेशंस दिए, बहुत सारी ऐसे बातें बताई जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसे लग रहा था कि काश मैं सीए अभी करती. सीरियसली अमेजिंग चेंजेस इंस्टीट्यूट हैज बॉट. बहुत थॉट आउट प्रोसेस है ये, बहुत थॉट आउट कोर्स है ये. तो पूरी जो भी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी और जो भी कन्फ्यूजन्स है आपके आपके दिमाग में जो मुझे लोग पूछ रहे थे, पूरा मैं इस वीडियो में कवर करूंगी. लंबा वेबिनार था बट जो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए वो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ. एंड गाइज, ये नए कोर्स को लेकर जो भी चेंजेस है, जो भी अमेंडमेंट्स है, जो भी अपडेट्स है, इस चैनल पर मैं डालती रहूंगी. तो सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. सबसे पहला चेंज जो मुझे लगता है गेम चेंजर है फॉर ऑल द सीए स्टूडेंट्स आउट हियर, दैट इज बीएए डिग्री. गाइज, अब पहले क्या होता था कि अगर आपने सीपीटी कर लिया, इंटरमीडिएट कर लिया और फिर आर्टिकलशिप कर लिया, जीएमसीएस कर लिया और अगर फाइनल क्लियर नहीं किया तो डिग्री तो मिलती नहीं थी और कुछ भी हाथ में नहीं रहता था स्टूडेंट्स के. तो वो बोलते ना, ना घर का ना घाट का, वैसे हो जाता था. बट इंस्टीट्यूट हैज फाउंड अ वे आउट ऑफ इट कि अगर यार स्टूडेंट ने सब कुछ कर लिया, इंटर तक सब कुछ कर लिया और अगर फाइनल क्लियर नहीं किया तो उसकी कुछ तो you know that person has got some level of knowledge, so he should get some deserving degree at that stage. So इसलिए institute ने BAA degree का proposal रखा है ताकि आपको ऐसा ना हो कि यार बीच में अटक के रह गए. तो that is an amazing change for you guys out here. और also institute ने बोला कि अगर आप नए course में convert भी नहीं करते हो तो भी they are thinking to bring in this BAA degree. So that's an amazing stuff which institute can do. They are actually in the talks कि पुराने स्टूडेंट्स को भी, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये BAA डिग्री की डिग्री मिल जाए. सेकेंड चीज जो और अमेजिंग लगी मुझे यहाँ पे, पहले क्या था कि आप कितने भी टाइम सीए के अटेम्प्ट दे सकते थे, बट नाउ इंस्टीट्यूट हैज बॉट सम लिमिटेशंस. क्यों मैं ये अमेजिंग चेंज बोल रही हूँ और ये चेयरमैन सर ने भी खुद ने बोला कि यू नो स्टूडेंट शुड सी सम फिनिश लाइन, कुछ फिनिश लाइन उनको दिखनी चाहिए तो ही उनको एक मोटिवेशन रहेगा आगे बढ़ने का. तो सीए फाउंडेशन के लिए उन्होंने रखा है कि 4 साल का रजिस्ट्रेशन पीरियड, कि 4 साल तक आप ये सीए फाउंडेशन का एग्जाम्स दे सकते हो. उसके बाद अगर आपको करना है कंटिन्यू तो आपको डायरेक्ट एंट्री में करना पड़ेगा, फाउंडेशन में आप नहीं कंटिन्यू कर सकते हो. दिस इज प्रपोज्ड एज ऑफ नाउ. और अगर आप सीए इंटरमीडिएट के लिए जब रजिस्टर करते हो, पहले अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स अपन अटेम्प्ट दे सकते थे. अभी उन्होंने बोला है कि पहले जब अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं वो 5 साल तक वैलिडिटी रहती है उसकी, उसके बाद एक बार आप रीवैलिडेट कर सकते हो. मतलब पहले के 5 साल, उसके बाद के 5 साल. तो 10 साल तक आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकते हो, विच इज रीजनेबल इनफ, बहुत रीजनेबल है. लेकिन ये टाइमलाइन उन्होंने इसीलिए लाई है कि ऐसा नहीं हो कि बच्चा रैंडमली सिर्फ पढ़ता जा रहा है एंड ही इज नॉट सीइंग सम फिनिश लाइन. सो दिस इज एन अनदर मेजर चेंज विच इज प्रपोज. थर्डली, ये जो स्टूडेंट्स के मन में टॉक्स है, कन्फ्यूजन है कि यार सीए का कोर्स कम हो रहा है, सीए का क्वांटम कम हो रहा है, सब्जेक्ट्स का क्वांटम कम हो रहा है, क्वालिटी अफेक्ट हो रही है क्या? नो गाइस, इन्होंने बहुत अच्छे से सोचा है. सी, मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, पहले भी 20 सब्जेक्ट्स थे, 4 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाउंडेशन, 8 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट, 8 सब्जेक्ट्स ऑफ सीए फाइनल्स. अभी उन्होंने क्या किया, 4 सब्जेक्ट फाउंडेशन में है, 6 एंड 6 एट सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल्स. बचे हुए जो 4 सब्जेक्ट्स है दे हैव कन्वर्टेड दैट टू सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स. तो वो सेल्फ पेस्ड में भी उन्होंने बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स लाए, साइकोलॉजी को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लेकर, ताकि एक ब्रॉड माइंडसेट डेवलप हो एक सीए स्टूडेंट का. तो मुझे पर्सनली अच्छा चेंज लगता है. दे जस्ट थॉट की ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग फॉर सीए स्टूडेंट्स आउट हियर. तो ये एक चेंज है जो एक्चुअली अच्छा है. एंड इसमें भी एक अच्छी चीज ऐसी है कि ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल दैट इज ऑल्सो एमसीक्यू बेस्ड. तो एमसीक्यू बेस्ड है, आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हो, घर में, घर पे, मेट्रो में, ट्रैवलिंग करते टाइम कभी भी पढ़ सकते हो. एंड इनडायरेक्टली इट इज अपलिफ्टिंग योर नॉलेज. सो दिस इज एक्चुअली अ गुड चेंज. नेक्स्ट चीज, आर्टिकलशिप पीरियड को लेकर बच्चों में बहुत कंफ्यूजन था कि यार 12 दिन की लीव, मैम 12 दिन की लीव में क्या होता है. सी, उन्होंने बहुत अमेजिंग एक्सप्लेनेशन दिया इस चीज का कि गाइस, पहले 1/7 ऑफ द आर्टिकलशिप पीरियड लीव्स अलाउड होती थी, राइट? तो अगर आप देखोगे 156 डेज पहले लीव अलाउड होती थी, लेकिन ये 156 डेज में से अगर आप देखोगे 4 महीना, 4 मंथ्स तो एक बच्चे का सीए फाइनल के प्रिपरेशन के लीव्स में जाता था. तो 156 माइनस 120 दैट इज 36 डेज. और 3 साल का
पार्टिकल चिप होता था तो उसमें 12 डेज 12 डेज 12 डेज, तो पहले भी लॉजिकली देखो तो 12 दिन की ही लीव थी। अभी उन्होंने क्या किया है, ये जो 2 साल है दे वॉन्ट टू कीप इट कम्प्लीटली एग्जाम फ्री पीरियड, इसीलिए उन्होंने इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही आप पार्टिकल चिप कर सकते हो, ये प्रपोज किया है ताकि एग्जाम फ्री पीरियड और फाइनल का भी एग्जामिनेशन आप ये 2 साल के बाद ही दे सकते हो। सो दैट्स वॉट दे वॉन्ट टू डू की कंप्लीट फोकस अपॉन आर्टिकल चिप ट्रेनिंग। सिर्फ इसमें आप सेल्फ बेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स घर से कर सकते हो। सो दैट इज वन थिंग रिलेटेड टू आर्टिकल चिप। एक और चीज जो बच्चों में कंफ्यूजन था कि ओपन बुक में मैम रिस्ट्रिक्टेड ओपन बुक कुछ होने वाला है। सी गाइस, उन्होंने क्या बोला, सपोज आप कल जाके सीए बन जाते हो, आप आपके ऑफिस में बैठे हो, अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप क्या करते हो, बेयर एक्ट निकाल के बैठते हो ना, बेयर एक्ट में से देखते हो कि हाँ इसका प्रोविजन क्या था, इसका कंक्लूजन क्या था, इसका केस स्टडी में क्या था। तो उनको वही इम्प्लीमेंटेशन अभी से लाना है बच्चों में कि वो एग्जामिनेशन में जा रहे तो रैंडम कोई भी बुक्स लेके जाने से बेटर है, दे आर गोइंग टू बी अलाउड टू कैरी जस्ट बेयर एक्ट्स, ऐसा प्रपोज्ड है अभी तक। आई डोंट नो इसके आगे क्या होता है बट दैट्स देयर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस। एंड बॉटम लाइन उन्होंने बस ये बोला गाइस कि ट्रांजिशनल स्कीम जो है बिल्कुल भी, बच्चों में बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि मैम इस अटेम्प्ट में हमारा एग्जाम है, अभी हम ये सब्जेक्ट्स करें कि नहीं करें, ये सब्जेक्ट करें कि नहीं करें, ऑल दे सेड इज प्रॉपर ट्रांजिशनल स्कीम लाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है किसी भी चीज को लेकर, ठीक है। एंड बहुत सारी छोटी छोटी दूसरी चीजें भी डिस्कस की, जैसे केस बेस्ड सिनारियो क्यों लाया गया है, सो दैट बच्चों का जो माइंडसेट है, रटोफाई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको नहीं बनाना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनको मेंटेन रखनी है यहाँ पे। ऑल्सो एंट्री लेवल स्कीम पे, जैसे पहले 40% सीए फाउंडेशन में 40% मार्क्स लगते थे हर सब्जेक्ट में, अभी दे हैव इंक्रीज दैट टू 50%, सो दैट जो क्वालिटी है ऑफ स्टूडेंट्स की वहीं पे फिल्टर हो जाए, एंट्री लेवल पे फिल्टर हो जाए, ताकि पीपल get to know the intensity of this education, intensity of this scheme, ki yahan pe this course is going to certainly grow in leaps and bounds in the future, so that quality maintain rehni chahiye chartered accountants ki. So entry level pe hi they are going to restrict the students, that's why ye 50% ka scheme laya gaya hai, ठीक है गाइज। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो, एंड यस जस्ट बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जो भी है प्रपोज्ड है अभी तक, एंड जो भी चीजें प्रपोज्ड है वो भी अच्छी है स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए, तो इट्स अ विन विन फॉर अस ओनली, ठीक है गाइज। ऑल्सो अ क्विक अपडेट फॉर ऑल द सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स इन May 2023। Unacademy is beginning its Ashirvad batch for CA Intermediate Group 1 students from the 13th of this July. So guys, if you are looking to buy any coachings, this is the right time for you because Unacademy पे अभी extension week चल रहा है till 7th of July. अगर आप 12 months या 18 months का subscription buy करते हो, तो you will get 2 months extra subscription for absolutely free of cost. And if you get 24 months subscription, then you get 3 months subscription for free of cost. And guys, Unacademy has everything which you look for in the coaching classes, live interactive classes, doubt solving sessions, top educator conduct these batches. एक ही subscription में आपको fast track भी मिलता है, marathons भी मिलता है, test series भी मिलता है without even having to pay a penny extra. And subscription के cost भी बहुत कम है. उसके ऊपर if you use this code RCH10, then you get additional 10% discount. And अभी additional ये 2 months, 3 months का extra subscription off मिल जाएगा आपको, free of cost मिल जाएगा. You just have to use this code RCH10. ये तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ एक surprise भी मिलेगा मेरे side से. So yes, आशीर्वाद बैच का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, टाटा।